सो गाइस आप सभी का वेलकम है फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तो आज अपन खेलने वाले एक और नया गेम जिसका नाम है बॉर्डर ऑफिसर। और हाँ, सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो ये वाला गेम है ये एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में चलने वाला है। इसका लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और बाकी जो अपना करेक्टर है ना इस गेम का, वो यार कफ जा पूरे, इसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है और पीने के लिए पानी भी नहीं है। और इसने यार कल ही एक जॉब के लिए अप्लाई भी किया है, तो पता ही नहीं यार अपने को वो जॉब मिलने वाली है या फिर नहीं। वो एक बॉर्डर पे अपनी जॉब है और ये इसके पास बस एक चीज जरूर है जो कि है बियर बॉक्स। इसका पूरा बियर बॉक्स भरा पड़ा है, ये सिर्फ दारू पीता है और बाद में अपने बेड में सोता रहता है। उसने ना अपने घर का आधे से ज्यादा सामान भी बेच दिया है, बट अभी कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो कि बेचने वाला है। और रुपए भी सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, तो अभी यार जॉब तो अपने को 100% ही चाहिए। और इसके घर में एक इसकी वाइफ है जो कि इतनी ज्यादा खुश नहीं है, और एक इसकी मदर इन लॉ है वो भी इतनी ज्यादा खुश नहीं है, और एक इसके अंकल है वो तो यार पी के टुल्ली हो रखे हैं और अपने बेड पे पड़े हैं, और ये भी यार काफी ज्यादा दुखी हो रखे हैं। बाकी यार इसका सन भी है वो तो काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि देखो ना ही तो अपन ने इसको कोई टॉय ला के दे रखा क्योंकि अपने पास रुपए भी नहीं है। उनका जो फ्रीज है वो भी काफी ज्यादा टूटा फूटा पड़ा है, तो पहले तो अपनो अपन सेल कर सकते हैं, बट यार ये सन का बेड है तो इसको अपन नहीं बेचने वाले। और हाँ यार मैं इसको बेचने वाला हूँ, तो देख सन मैं पक्का तेरे को एकदम बिल्कुल नया गिफ्ट लेके देने वाला हूँ, क्योंकि अभी देखो अपन ने ना तो कोई बिजली का बिल जमा किया है, कुछ भी अपन ने जमा नहीं किया। बट एक सेकेंड, यहाँ पे ये शायद एक बॉर्डर का कोई ऑफिसर आया है जो कि अपना डोर नोक कर रहा है। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि भाई अपना डोर नोक कौन कर रहा है, तो पहले तो अपन जल्दी से चलते हैं और क्या पता अपने को नौकरी मिली गई होगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ, इन्होंने एक लेटर भी लाया है भाई, अगर नौकरी मिल गई होगी ना तो बहुत ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा, बाद में अपन अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा कुछ करने वाले हैं। तो यार प्लीज यार ऑफिसर भैया प्लीज यार नौकरी दे देना, चाहे कम रुपए दे दो बट यार नौकरी तो एटलीस्ट दे दो मेरे को, जॉब तो मिल जानी चाहिए। पहले अपन लेटर लेते इससे, और बाकी लेटर में अपने को कॉन्टेक्ट मिल चुका है, बस अपने को साइन करना है। यू नो वेयर डिसाइडेड टू ओपन द बॉर्डर गेट। ओके ठीक है ठीक है। अभी देखो एक नया बॉर्डर गेट बना है लेकिन वहां पे कोई भी नहीं है, तो उसके लिए अपने को जॉब मिली है, तो अपन वहां पे चलने वाले हैं। बाकी देखो मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाला, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं बस साइन कर देता हूँ। और हाँ, इस बंदे ने साइन देख रही हो कितने ज्यादा खतरनाक किए हैं। और यहाँ पे क्या है, वी हैव सेंड यू, ओ अपनी एक स्पेशल कार भी देने वाले अपने को। और हाँ यार घर अपने को देने नहीं वाले क्योंकि घर तो अपने पास पहले से ही है, तो वो अपने को धीरे धीरे रुपए इकट्ठा करने के बाद में मेरा पूरा का पूरा घर मेंटेन करना होगा। तो अभी इसको तो मैं क्लोज करता हूँ, अपने को क्या करना है अभी बॉर्डर पे चलना है। बट उससे पहले यार अपनी फैमिली को बता देते हैं कि अपनी जॉब लग चुकी है। हेलो वाइफ जी, देखो अपनी जॉब लग गई है, अभी अपन धीरे धीरे रुपए कमाने वाले हैं और बाद में अपना पूरा का पूरा घर रिपेयर करने वाले हैं और शानदार शानदार चीजें लेके आने वाले हैं। ठीक है, मत लो ठीक है, चलता हूँ मैं, अपनी जॉब लग चुकी है। बाकी अंकल जी को तो कुछ पता ही नहीं यार, ये तो बेवड़े हुए पड़े हुए हैं। बाकी अपना सैनिक को भी बोल देते हैं यार, देखो मैं पक्का खिलौना लेके आने वाला हूँ, अगर खिलौने की कोई शॉप हुई तो अपन पक्का लेके आने वाले इसके लिए। बाकी देख रहे हो कितना ज्यादा बेकार घर है, मतलब कि सारा का सारा सामान काफी ज्यादा पुराना है, वो इतना छोटा रूम है कि इसमें अपन यार चार चार रहते हैं। बाकी हाँ, एक यहाँ पे फ्रिज है, इसके अंदर एक खाने का है, तो एक काम करता हूँ मैं इसको रख लेता हूँ। और बाकी सारी की सारी चीजें जो अपने सन है और जो अपने अंकल जी मदर इन लो और अपनी वाइफ है वो खा लेंगे। अभी तो अपन यहाँ से बाहर चलते हैं। और यहाँ पे एक सेकंड, ये वाला भी पड़ा है प्रोपेन गैस, बट यार ये अपन बेच नहीं वाले, वरना अपन रोटी वोटी किससे बनाएंगे, अपन खाना भी नहीं खा पाएंगे। तो गेट को क्लोज करते हैं और बाहर चलते हैं। अभी अपने को इस साइड में चलना है, और यहाँ पे ये वाला वैसे है क्या, ओ हाँ यहाँ पे लकड़ियां पड़ी हैं, अपन लकड़ियां काट सकते हैं और बाद में अगर अपना घर है वो डैमेज हो रखा होगा तो अपन उसको रिपेयर भी कर सकते हैं या फिर और भी ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं। कोई नहीं यार, अभी तो देखो अपन रिपेयर नहीं करने वाले, अभी तो अपने को जॉब के लिए निकलना है, वरना अगर लेट हो जाएगी तो बाद में अपने को जॉब भी नहीं मिलेगी। और ये वाला शायद एक बस स्टॉप है, और इसीलिए बंदा गया था कि तुम्हारी फैमिली के लिए स्पेशल बस आएगी जिसमें ना तो कोई आपको रुपये लगेंगे, फ्री में जाना है और फ्री में आना है। ओके फिर तो काफी ज्यादा अच्छी बात होगी। बाकी यहाँ पे एक है, डो नॉट एंट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया प्राइवेट प्रॉपर्टी कीप आउट। ओ ये वाला, इससे तो आगे वाला एरिया ना, इसके अंदर एंटर नहीं करना। बाकी अंदर की साइड में एक बंदा है, मैं अंदर की साइड में चलूं तो इसके पास गन है। ओ भाई गलती हो गई, सॉरी 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 भाई, गोली मत मारना यार भाई, भाई भाई प्लीज। ओ ओ भाई
भाई इस बूढ़े के पास तो गन है यार, ये गोली मार देगा। चलो छोड़ो, मैं बाद में आने वाला हूँ, एक सेकंड रुक, तेरी ऐश की तैसी मैं करने वाला हूँ। अभी मैं बोर्ड पे जाता हूँ, मैं कहीं से मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं गन लेके आने वाला हूँ। यार मैं मतलब वहां पे बात करने के लिए गया था और ये मेरे पे इसने बंदूक तान दी, इतना बदतमीज है भाई। कोई नहीं, मत और छोड़ छोड़ भाई, मैं नहीं आने वाला, सॉरी सॉरी, पहले तो यहाँ से भागते हैं वरना यार ये गोली मार देगा। बाकी यार ऑफिसर वाले अंकल जी, आप क्या देख रहे हो, उसने खुलेआम गन रख रखी है और आप उसे कुछ कर भी नहीं रहे। और हाँ अभी वो रुक चुका है, उसने शायद तक ऑफिसर को देख लिया, इसके बाद में वापस से जा रहा है। अब भी अपन पहले गाड़ी के अंदर बैठते हैं जो कि अपने को मिली है ऑफिसर की तरफ से। और बाकी हाँ ये वाली गाड़ी ठीक है, अपनी नई डिजाइन की नहीं है, पुरानी वाली गाड़ी है, उसके कार हुड भी है, इसको खोले। वैसे हाँ इंजन अभी सही है तो इसको बंद कर देते, उसका क्या करेंगे अपन। पीछे की साइड में देखते हैं कि क्या रखा हुआ है, पीछे की साइड में एक टायर है जो कि बाद में काम में आने वाला, जो कि बाद में काम में आने वाला है, अभी तो देखो अपने किसी काम में आएगा नहीं। कोई टायर भी खराब हो जाएगा तो अपन चेंज कर लेंगे। अभी मेरे को गाड़ी ठीक लगी तो एक काम करता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। बाकी अंदर की साइड से भी गाड़ी मतलब कि ठीक ठाक है, बस ओल्ड मॉडल है। अब यार अपने को यहाँ पे लेट भी नहीं करनी वरना वहां से बॉर्डर से काफी ज्यादा बंदे निकल जाएंगे और अपने इस कंट्री में आके यार बाने पता नहीं वो क्या क्या करेंगे, तो जल्दी से निकलते हैं। अभी क्या करना है, पहले अपने को गाड़ी स्टार्ट करनी है और गाड़ी इसमें स्टार्ट यार चाबी से नहीं होने वाली, अपने को लीवर खींचना होगा जैसे पहले की गाड़ी में होता था। बाद में अपनी गाड़ी स्टार्ट होने वाली, तो पहले लीवर खींचते हैं आराम से। एक सेकंड भाई, ये गाड़ी कहाँ से लेके आ गया, तो एक खटारा गाड़ी, एक बार उतरने दो पहले तो भाई मेरे को, इतनी खटारा गाड़ी है ये ओन भी नहीं हो रही है, इसको अपन ले जाएंगे कैसे यार, इसके अंदर कुछ चीज खराब तो नहीं हो गई है। नहीं यार मेरे को लगता नहीं है कुछ खराब हो गया, पहले अपन इंजन खोलते हैं। बाकी यहाँ पे और हाँ ये भी सही है, और इस साइड में ये कार उड़ है, ये भी ओके ठीक है, बाकी सारी सारी चीजें सही है। एक बार इसे बंद कर देते हैं, वापस से स्टार्ट करके देखते हैं, क्या पता अब की बार स्टार्ट हो जाए। वैसे यार दिखने में ठीक लग रही थी लेकिन स्टार्ट हो ही नहीं रही है। अभी वापस से ट्राई करते स्टार्ट करने की, 1, 2 और 3 आराम से भाई। ओ स्टार्ट होगी, अब की बार स्टार्ट होगी, पिछली बार स्टार्ट भी नहीं हुई थी। लेकिन चलने से पहले अपने को हैंड ब्रेक डाउन करना होगा तभी तो अपनी गाड़ी चलेगी, वरना तो गाड़ी कैसे चलेगी। और एक हाँ फोटो तो याद रखना, आते टाइम मैं पक्का गन लेके आने वाला हूँ और डायरेक्ट तेरी खोपड़े में गोली मारने वाला हूँ। यार मतलब कोई मतलब ही नहीं है अंदर गए बात करने के लिए, डायरेक्ट भाई गन निकाल के अपने गोली मारने लगा। अभी पहले ना अपन गाड़ी को भगाने वाले हैं और गाड़ी का टेस्ट करने वाले हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज्यादा भग सकती है ये वाली गाड़ी। बाकी इसकी स्पीड दिखाई तो ढंग से दे नहीं रही, हाँ 140 की स्पीड है इसकी हाईएस्ट, पता नहीं है कितनी भग पाएगी। पहले तो यहाँ से आराम से निकालते हैं क्योंकि ये वाला रास्ता काफी ज्यादा खराब है और यहाँ पे एक आर्मी का ट्रक भी आया है, मेरे को लगता है शायद तक घर के लिए आया होगा। अभी पहले चलते हैं अपन जल्दी से क्योंकि आज अपना बॉर्डर है वो काफी ज्यादा दूर है और ये वाली बस है जो कि अपनी फैमिली के लिए अगर किसी को जाना होगा तो वो आराम से आ जा सकता है। बाकी कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है वो अपना बॉर्डर है, तो जल्दी से गाड़ी को भगाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और हाँ सामने की साइड में एक बैंक भी आ गया है जहाँ से अपन रुपए वुपे निकाल सकते हैं। और ये वाला एक सेकंड, ये वाला क्या है यहाँ पे, सही तो ओ भाई नहीं यार गाड़ी ठोक दी, सॉरी यार आते मैंने गाड़ी ठोक दी है। और यहाँ पे एक डॉग वॉग भी आ गया, सिटी टाइप कुछ लग रहा है मेरे को, हाँ हाईवे आ चुका है। वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा शॉप है, गेस्ट स्टेशन भी है, वो इस साइड में एक शॉप भी है। अभी तो देखो अपने पास ज्यादा डॉलर नहीं है तो अपन कुछ खरीद भी नहीं सकते, अपन बाद में यहाँ से सामान खरीदने वाले हैं। और मैंने यार दो बारी गाड़ी ठोक दी, अब की बार मैं गाड़ी बिल्कुल भी नहीं ठोकने वाला। वैसे हाँ एक काम कर सकते हैं अपन, नीचे उतर के देख के तो आ सकते हैं कि अपनी शॉप कैसी है, तो पहले नीचे उतरता हूँ मैं। और गाड़ी का हैंड ब्रेक भाई भाई प्लीज हैंड ब्रेक, वापस हैंड ब्रेक खींच आराम से। बस अभी पहले चलते हैं शॉप के अंदर, बाकी हाँ इतना मेरे को पता है कि अपने पास इतना रुपये नहीं है फिर भी मैं चल रहा हूँ। हेलो कोई है यहाँ पे, ओ हाँ यहाँ पे खाना वाना मिलने वाला है, बाकी ठीक है यहाँ पे कोल शायद कि अपने घर बनाने के लिए होगा। हाँ बाकी इस साइड में एक एनर्जी ड्रिंक पड़ी है, ये भी अपन बाद में लेने वाले हैं, अभी तो देखो अपने पास रुपए नहीं है। तो अभी जल्दी से अपन बॉर्डर के लिए निकलते हैं वरना यार वहां पे लेट हो जाएगी, तो पहले गाड़ी के अंदर बैठो। फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं अपने बॉर्डर पे, बाकी सामने की साइड में देख रहे हो अपना बॉर्डर का गेट भी आ चुका है, आराम से यहाँ पे रोकते हैं। बस यहाँ पे वैसे कोई ऑफिसर है नहीं, अपन पहले गाड़ी से नीचे उतरते हैं। और जो अपने साथ ऑफिसर आया था वो भी गाड़ी से नीचे उतर गया, बाय हो भाई बाय कह दिया उसने। एक सेकंड यार मेरे को बता दो, देखिए मेरे को कहाँ पे जाना है, बाय बाय हेलो हेलो अंकल जी बताओ। ओ अच्छा मेरे को पीछे की साइड जाना है,
ये कह रहा है कि जो सामने की साइड में तेरे को दिख रहा है वही तेरा ऑफिस है, बाकी तू यहाँ से एंटर नहीं कर सकता, तो यहाँ से अपन वैसे जाने भी नहीं वाले, तो पहले अपनी गाड़ी को यहाँ पे तो नहीं रहने दे सकते, क्योंकि यहाँ पे यार ट्रक व्रक आते हैं आर्मी के, तो बीच में यार वो अपनी गाड़ी को भी तोड़ फोड़ देंगे। तो एक काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने को आर्मी ने गाड़ी दी है, तो अपनी जो गाड़ी है उसको उस साइड में पार्क में लगाने वाले हैं जिस साइड में अपना ऑफिस है, क्योंकि इस साइड में तो यार कोई ना कोई आएगा अपनी गाड़ी को ठोकेगा और जाता रहेगा। तो पहले धीरे आराम से और गाड़ी को मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल जस्ट अपने ऑफिस के सामने पार्क में लगा दे, यहाँ पे पहले हैंड ब्रेक आराम से, वही नहीं नहीं आगे नहीं ठुकनी चाहिए, और एक क्या अपने बिल्कुल धीरे धीरे चले, अपने को जल्दी से काम पे चलना होगा क्योंकि अपन पहले से ही काफी लेट हो चुके, अभी अपने को और लेट नहीं करनी है। तो गाड़ी को तो अपन गेट बंद करते हैं, अभी चलते अंदर की साइड में, और जो ये वाला है ये अपना ऑफिस है यहाँ से पर, ओ भाई मैं यार विंडो से डायरेक्ट अंदर की साइड में आ गया, वैसे हाँ यहाँ पे डोर भी था, और ये है अपनी वर्किंग टेबल जहाँ पे अपना एक पीसी पड़ा है और एक स्कैनर पड़ा है जिससे अपन बंदे बंदे जितने भी होंगे उनको स्कैन कर सकते हैं। तो अपनी चेयर देख रहे हो कितनी ज्यादा शानदार है, तो जल्दी से पहले तो मैं काम करता हूँ, स्टार्ट करते हैं अपने वर्क को, क्योंकि पहले अपने काफी ज्यादा टाइम बिता दिया है। अभी मैंने पहले ऊपर की साइड में जो जालियां थी वो तो हटा दी है, अभी आई हैव अ टर्न ऑन द कंप्यूटर, ओके ठीक है कंप्यूटर को ऑन करते हैं, प्रे सक्सेस, तो ओके ठीक है अपने को पूरा क्लोज से देखना है, अपना पीसी तो स्टार्ट हो रहा है, बाकी इसके अंदर सारी सारी इन्फॉर्मेशन अपने को मिलने वाले हैं कि कौन सा बंदा सही है और कौन सा खराब है। यहाँ पे अपना एक ट्यूटोरियल है, स्पीच है, स्पीच ट्यूटोरियल पर कुछ भी नहीं देखने वाले। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आ रखी है, एक सेकेंड अनाउंसमेंट चेक करने दो, यहाँ पे अनाउंसमेंट में क्या रखा है, अनाउंसमेंट एनी वन हु वॉन्ट्स टू क्रॉस द, ओके ठीक है ठीक है। अभी देखो एक बंदा है जिसका नाम स्टेवरोन, उसको अपने को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देना है क्योंकि वो बंदा है वो गलत है, तो इसको तो पहले अपन कट करते हैं, बाकी अभी तक कोई आया तो है नहीं, इसको क्वाइट करते हैं। अभी धीरे धीरे बंदे आने वाले हैं, उनको अपने को चेक भी करना है, और ये क्या है, यू नीड अ की, बाकी यहाँ पे मेरे को एक की तो कोई दिखाई दे नहीं रही है, इसके अंदर भी शायद कुछ ना कुछ तो होगा, ओके डन। अभी यहाँ पे कोई आने वाला है या फिर ऐसे ही, टू ओपन इट यू नीड अ परमिशन, ओ इसको ओपन करने के लिए अपने को परमिशन चाहिए, और अभी अपने पास इसको ओपन करने के लिए परमिशन भी नहीं है, और ये क्या अरेस्ट के लिए, अभी तो कोई बंदा ही नहीं है, अरेस्ट किसको करेंगे, बाकी अपन इसको देर नो वन आएगा, ओके ठीक है यहाँ पे कोई नहीं जिसको अपन अरेस्ट कर सकते हैं, प्रेस ई टू कॉल द नेक्स्ट सिटीजन, ओके अच्छा अपने को पहले कॉल करना था यार, इतनी देर तक मैं बैठा था कोई आ ही नहीं रहा था, मैंने कॉल भी नहीं किया। अभी हेलो आंटी जी आई है वैसे एक सामने की साइड से, कैन आई शो द डॉक्यूमेंट, ओके हाँ हेयर, इसने अपने को यार अपना पासवर्ड भी दे दिया है और अपना एंट्री परमिट भी दे दिया है, तो पहले अपन चेक करते हैं, और एक अपने को याद रखना है जो इसका एवेंट है उसका अपने को एंटर नहीं होने देना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनको वक्स काया, ओके ठीक है, इसका नेम ये है फीमेल है, ओके ये पता है, कंट्रीज की इलेसियल, ओके ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 12/5/1992, ओके ठीक है ये तो ठीक है। और अभी अपन इसके एंट्री भी चेक करने वाले हैं कि दोनों में बिल्कुल सेम नेम है ना, कुछ अलग तो नहीं है, तो एंट्री भी चेक करते हैं, अभी नेम बिल्कुल सेम लगता है, हाँ नेम बिल्कुल सेम है, फीमेल है, ओके ठीक है, और ये आई है हॉलीडे मनाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, ओके ठीक है, फॉर द पासवर्ड नंबर, पासवर्ड नंबर इसके 75, ओके ठीक है डन, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है, तो जहां तक मेरे को लगता है कि ये वाली बिल्कुल सही है, और नहीं अपने को कंप्यूटर में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो एक काम करते हैं इसके अपन स्टैंप लगा देते हैं, इसको भी नीचे रखते हैं और इसको भी नीचे रखते हैं, अब भी अपने को यहाँ पर लगानी है अप्रूवल स्टैंप, तो इसको उठानी है, पहले अपन इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, आराम से पेस्ट हो चुकी है, बाकी आप अभी जा सकते हो। अच्छा अपने को क्या करना है, पहले इनको वापस देना है, ठीक है तो इसको अपन नीचे की साइड में रखते हैं, और भाई मैंने टेबल के ऊपर अप्रूवल कर दिया, कोई नहीं अभी अपन वापस से नहीं करने वाले, क्योंकि टेबल को थोड़ी भेजना है अपने को, तो कार्ड को उठाते हैं, और ये वाला अपने को इनको सौंपना है, तो ये लो गिव, ओके, और ये वाला भी आप ले लो, ये भी मेरा कोई काम का नहीं है, इसको भी आप रखो, ये लो इसको भी लो, और अभी आप जा सकते हो। वेल डन, नाइस अटेम्प्ट, अपन ने पहला काम बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पहले अपन वापस से नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, अपन ने एक को तो चेक कर लिया जो कि बिल्कुल सही चेक किया है, बाकी हाँ अभी एक बंदा और आ रहा है, और ये वाला मेरे को शकल से यार कोई गुंडा वुंडा लगता है, क्योंकि इसने देख रही हो बियर्ड्स कितनी बढ़ा रखी है, बाकी प्लीज लेट मी चेक, हाँ बिल्कुल यार चेक तो करवाएगा, ऐसे कैसे जाने देंगे तेरे को यार, चेक तो करवाना होगा, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड है, बट इसके पास एंट्री परमिट नहीं है, तो इसको अपन जाने नहीं दे सकते, वैसे हाँ इसका नाम है ड्यूनिक, ओके ठीक है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंट्रीज की यही है, कंट्री तो ठीक है, कंट्री तो पहले वाले की भी यही थी, इसकी भी यही है, बाकी इसके पास, एक सेकेंड हेलो आपके पास कोई वो नहीं है क्या परमिट कार्ड, वो यार इसके पास है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ पहले कंप्यूटर चेक करते हैं, क्या पता यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आ रखा हो, नहीं यार अभी तो देखो कोई नोटिफिकेशन आ नहीं रखा इसके लिए, तो एक काम करते हैं इसको तो कट करते हैं, बाकी यार शकल से मेरे को चोर वोर लगता है, या फिर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, एक काम करते हैं यार अपन इसको परमिट दे देते हैं, बाकी बाद में अपने को पता चलने वाला है कि अपने सही किया है या फिर गलत किया है, इसको अपने को यहाँ पे स्टैंप लगानी है, और आराम से स्टैंप लगाई, इसको वापस से नीचे रखते हैं,
अभी अपने को पहले उठाना है, उसको वापस देना है, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यू मेड द राइट डिसीजन। ओके ठीक है, अभी तक अपन ने दो डिसीजन लिए और वो बिल्कुल राइट लिए हैं। और अभी एक नोटिफिकेशन आया है अपने कंप्यूटर पे, एक सेकेंड, यू मेड अ वन मिस्टेक। ओ भाई अभी मैं मतलब नीचे दिखा रखा था बिल्कुल राइट है, यहाँ पे वन मिस्टेक कर दी, प्लेंटी विल बी अप्लाइड। यार अपने को प्लेंटी लग चुकी है, अपने को आई, अपने पहले डिटेल देखने वाला हूँ क्या अपने को प्लेंटी लग किस चीज की है। ही नीड्स एन एक्सेस परमिट, देयर वाज अ नाइफ ऑन इट। ओ यार मैं तो भूल ही गया यार, अपन ने उसको परमिट तो दे दिया, उसके जो लाइसेंस था वो तो सही था, बट यार अपन ने उसको स्कैनर से चेक ही नहीं किया कि उसने कुछ घोज वोज में डाल तो रखा क्या। यार पहली प्लेंटी ले चुकी, अपन ने जितने कमाए थे उतने सारे के सारे कट चुके। कोई नहीं, नेक्स्ट आओ, अब की बार मैं चेक भी करने वाला हूँ स्कैनर से कि अब पता भाई गनवन ले रखी उन्होंने। अपन ने को यार अरेस्ट करना था क्योंकि उसके पास नाइफ था, तो अभी एक बंदा तो आ रहा है वैसे। हाँ ये वाला मेरे को ठीक लग रहा है, कोई नहीं, पीछे के साइड में देख रहे हो आप कितने बंदे लाइन में लगे हुए हैं। हाँ पहले तो भाई तेरा पासवर्ड दिखा मेरे को, कहने से हाँ बिल्कुल दिखाना पड़ेगा तेरे को, इसका नाम क्या है। ओ एक सेकंड, इसका नाम शायद तक मैच हो रहा है, अपन कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इसका नाम क्या है। ओके ठीक है, स्टेन गन, ओके ठीक है, इसको कट करते हैं। हाँ ये वाला बंदा है, इसको तो मैं अरेस्ट करने वाला हूँ डायरेक्ट बिना कुछ चेक किए हुए, और इसका पासवर्ड भी है बिल्कुल सेम। तो भाई देख तेरा वारंट आ रखा है, तेरे को सबसे पहले पकड़ना होगा, तो कोई काम का नहीं है, इसको भी यहाँ पे रखते हैं। अब भी पहले मैं इसको स्कैन करता हूँ, क्या पता इसके पास और भी कुछ हो, इसके पास कुछ है क्या, नीचे से लेके ऊपर तक इसके पास कुछ भी नहीं है। चलो छोड़ो, इसको अपन सिर्फ रिजेक्शन देने वाले, अरेस्ट इसको अपन नहीं करवाने वाले। इसके लिए लगाया अपन ने स्टैंप यहाँ पर आराम से, भाई तू नहीं जा सकता क्योंकि तेरे लिए पहले से वारंट आ रखा है, तो तू इसको ले और यहाँ से निकल जा आराम से। तू एक तो ये ले और एक तू ये वाला ले, एंट्री परमिट भी तैयार ले और यहाँ से निकल जा, कहीं अलाउड नहीं है। इडियट, आई हेट यू। ओ अच्छा इसने इडियट कहा, मैंने सोचा किसी, तो भैया तू ऐसे गलत काम करेगा तो तेरे को अलाउ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अभी हाँ अपन देखते हैं, हाँ बिल्कुल अपन ने सही किया, अपन ने कोई गलती नहीं किया है। अभी नेक्स्ट, पहले जल्दी से नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट बंदा सामने की साइड से एक बंदा और आ रहा है, उससे भी पहले तो हाँ भाई तेरा परमिट दिखा और तेरा जो लाइसेंस, वो दोनों की दोनों चीजें दिखा। हाँ बिल्कुल इसके पास दोनों की दोनों चीजें हैं। इसका नेम है ग्रांट बेसोप, ओके ठीक है, मेल 1987, ओके ठीक है, कंट्री अपनी ये वाली कंट्री का बंदा नहीं है, तो इसको तो अपन रखते हैं। एक सेकंड, इसके पास परमिट भी है, परमिट में नेम बिल्कुल सेम है, और बाकी नेन ऑफ योर बिजनेस, मतलब हमारा कोई मतलब नहीं है कि कुछ भी लेने के लिए जाना, बिल्कुल नहीं, इसको भी अपन नहीं करने वाले पैसे। हाँ इसको अपन चेक कर लेते हैं, इसको भी रखा और इसको भी रखा, मतलब कि ये कह रहा है कि तुम्हारा कोई मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी करूँगा मैं वहाँ पर जाके, तो इसको भी अपन अलाउ नहीं कर सकते हैं। वैसे अपन इसको चेक तो कर लेते हैं, इसके पास कुछ है तो नहीं ना, ऊपर से लेके नीचे तक इसके पास कुछ भी है नहीं वैसे। हाँ ठीक है, तो अब भी इसको भी मैं रिजेक्शन देने वाला हूँ, क्योंकि यार देखो इसने लिखा है कि नो पर्पज दैट यू नीड, कि तुमको कोई मतलब नहीं कि मैं वहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो इसको भी यहाँ पे रखा। अभी क्वाइट, और ये ले भाई तू तेरा पकड़, यहाँ से रफा दफा हो जा, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे। एनीवे मैं भी ले, ओके ठीक है, तो भाग जाए यहाँ से, ये कह रहा है कि मैं दुआ करता हूँ कि तू मर जाए, कोई नहीं मैं ऐसे नहीं मरने वाला। अब भी नेक्स्ट, पहले तो जल्दी जल्दी नेक्स्ट आओ भाई, ये वाला बंदा मेरे को ठीक लगता है, इसको शायद तक इसने कुछ नहीं किया होगा। हाँ भाई पहले तेरा पासवर्ड दे और तेरा एंट्री परमिट दे, ओके ठीक है, इसने दे तो दिया अपने को। अब इसका नाम है इवन, ओके, और इसका नाम ओके ठीक है, मेल, मेल डन। बाकी इसके डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सेम है, 6/9/1990, लेकिन ये भी अनदर कंट्री का है, तो पहले इसको अपन अलाउ तो कर देंगे। और रीजन इसने क्या लिखा है, फॉर द पासवर्ड नंबर, इसने कोई रीजन पर्पज ऑफ टूरिस्ट, ओके ठीक है, घूमने के लिए आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले तेरे को चेकिंग करवानी होगी, तो इसको भी रखते हैं और इसको भी यहाँ पे रखते हैं। तो चेकिंग करने के लिए पहले अपने को स्कैनर उठाना है, तेरे पास कुछ है तो नहीं ना, सच से बता दे मेरे को। ओ है, एक सेकंड भाई, वैसे आराम से चेकिंग करने दो, इसके पास एक स्पून है, और मेरे को भाई ये इतना शरीफ बंदा लग रहा था, लेकिन यार ये बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, तो मैं इसको अरेस्ट करवाने वाला हूँ। वैसे यार एक स्पून के लिए अरेस्ट तो नहीं करवाना चाहिए, लेकिन क्या पता इसके अंदर कुछ और भी हो, तो भाई तेरे लिए अरेस्ट वारंट है, ई टू अरेस्ट, इसको अरेस्ट किया जाए भाई, सबसे पहले तो इसको अरेस्ट करते हैं। बाकी इसको अरेस्ट करने के लिए अपने बोल दिया है, अभी अपने एक ऑफिसर आने वाला है और इसको अरेस्ट करके लेके जाने वाला है, तो कि पीछे की साइड में देख रही हो कैसे गन लेके आया है। बाय बाय Your decision, you, I want to kill you. Baby, ऐसे नहीं मार सकता तू मेरे को यार, ऐसे मार देगा तो फिर ये फौजी क्यों खड़े हैं यहाँ पे, ये तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ओ भाई एक सेकंड, उसने गोली मार दी। ओ भाई यार उसने भाई गोली मार दी यार, देख रहे हो यहाँ पे इतना सख्त नियम है कि अगर कोई पकड़ा गया अरेस्ट किया तो डायरेक्ट गोली लगने वाली है इसको। एक सेकंड भाई, मैंने सोचा नहीं था कैसे गोली भी मार देंगे। अभी देखो अपना टाइम भी हो चुका है पूरा, आपने को घर पे जाना है, तो अपन पीसी को तो शट डाउन करते हैं।
टेबल से अपने खड़े होते हैं और आज की जॉब अपन ने पूरी की पूरी डन कर ली है और अपने पास सिर्फ और सिर्फ $31 है, क्योंकि यार अपन ने 3 या 4 बार प्लेंटी खा ली और सामने की साइड में आप देख रहे हो कितनी लंबी लाइन रख रखी है। अभी तो देखो अपनी जॉब पूरी हो चुकी है, तो भाई जितने भी बंदे बाहर खड़े ना वो अपने अपने घर पे जा सकते हैं, मैं कल आ रहा हूँ, ठीक है ना। देख रहे हो साइड में कितनी लंबी लाइन है, उनमें से पता नहीं यार कौन सी के पास क्या क्या चीज हो सकती है। और ये बंदा है ना, इसने उस बंदे को यहाँ पे लाया और डायरेक्ट उसके मत्थे में गोली मारी और उसको यहाँ से लेके चले गए हैं। उसकी डेड बॉडी शायद उसके घर पे पहुंच जाएगी। आज अपनी इतनी ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन कल अपने को पता होगा पहले से कि अपने को क्या क्या करना है, तो अपन जल्दी जल्दी काम करने लग जाएंगे और कब ज्यादा अच्छे रुपए भी कमा लेंगे। बाकी आराम मेरे को कमेंट में जरूर से बताना कि आज वाली वीडियो आपको कैसे लगी। और एक हाँ, आप ये वाला गेम डाउनलोड करके जोर से खेल के देखना, आप मेरे को कमेंट बताना कि आपको अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। बाकी यार अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर।